चाचू, हमारी जिंदगी में एक हसीन तूफान आया है। रुखसार। रुखसार, ये किस तूफान का नाम है भाई? ये तूफान है मोहब्बत का, मोहब्बत, ये तूफान है इश्क का। इश्क, LOVE। चाचू, ये सही कह रहा है। अच्छा, चाचू, अब हम सीरियस हो जाएं। हाँ, अगर हमें रुखसार नहीं मिली तो हम अपनी जान दे देंगे। भाईजान तो गए काम से। अगर सलमान, ये रुखसार है कौन? चाचू, रुखसार के बारे में जानकर आपका दिल दहल जाएगा, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, इस हवेली की दीवारों में दरारें पड़ जाएंगी। लेकिन चाचू, वादा करो कि आप हमारे दिलों में दरारें नहीं पड़ने देंगे। लेकिन हमें ये तो बताओ सलमान, कि रुखसार है कौन और किसकी बेटी है? नदी के उस पार रहने वाले फतेह खान की बेटी। फतेह खान की बेटी, हमारे दुश्मन की बेटी, ये तुमने कैसा भयानक ख्वाब देख लिया सलमान, जिसकी कोई ताबीर नहीं। हमारे ख्वाबों की ताबीर सिर्फ रुखसार है। अगर हमें रुखसार ना मिली तो हम अपने आप को मिटा देंगे। सलमान, अगर मुझे यह पहले मालूम होता तो मैं उस शौकत खान की गर्दन नहीं तोड़ता। तुम्हारी रुखसार के लिए मैं अपनी गर्दन तोड़वा लेता। तुम फिक्र न करो सलमान, मैं जाऊंगा, उस फतेह खान की हवेली जाऊंगा, तेरे लिए रुखसार का हाथ मांगने। अस्सलाम वालेकुम फतेह खान साहब। मैं शेर खान का भाई जुबैर खान हूं। सुना है तुम्हारे बाजुओं में बहुत ताकत है साईं। मैं उस हादसे पर अफसोस करने आया हूं फतेह खान साहब। ना साईं ना, तुम अफसोस करने नहीं आए हो, तुम तो यह बताने आए हो कि हमारे खानदान में गर्दनें जरा कच्ची हैं। आप चाहें तो अपने बेटे शौकत की गर्दन के बदले मेरा सर कलम कर लीजिए। गर्दन ना झुकाओ साईं, गर्दन ना झुकाओ। हमने झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाया। हमारे बेटे की टूटी हुई गर्दन हमारे सर कर्ज है, और इस कर्ज का बहुत जल्द हिसाब होगा। फतेह खान साहब, मैं हाथ जोड़कर झोली फैलाकर आपसे कुछ मांगने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। कोई ऐसी चीज ना मांगना साईं कि फिर माफी मांगने के लिए हाथ ही न रहे। मैं अपने भतीजे सलमान के लिए आपकी बेटी रुखसार का हाथ मांगने आया हूं। खामोश दुश्मन साईं, खामोश, चले जाओ, गवाह जाओ यहां से। मैंने आपको गाली तो नहीं दी फतेह खान साहब, आप एक जवान बेटी के बाप हैं, और यह रिश्ता मांगने का हक किसी को हो या ना हो, फिर भी शेर खान के घर से आए हुए पैगाम पर आपको एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। सोचूंगा, खूब दिमाग लगाकर सोचूंगा। गुलाम खान, हमारी सात पुश्तों में घर आए मेहमान की लाश गिराने की अगर एक भी मिसाल होती तो तेरी ये गुस्ताख जबान काट कर हम शेर खां के घर पहुंचा देते। बाकी रहा तेरा ये जिस्म, इसे अब्दुल का कुत्ता खा जाता। गुलाम खान, इन्हें इज्जत के साथ ले जाओ और अपने इलाके से बाहर निकाल दो। इसे कहते हैं लोहे का दिल और फौलाद का जिगर, इसे कहते हैं खून का असली रंग। वाह बेटे, मोहब्बत भी की है तो दुश्मन की बेटी से। शाबाश बेटे, शाबाश। अब चाहे खून की नदियां बह जाएं, फतेह खान की बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिए बगैर हम दम नहीं लेंगे। रशीद खान, सुल्तान को तैयार करो।
फतेह खान से मिलने हम उसकी हवेली में खुद जाएंगे। फतेह खान, फतेह खान, क्या बात है शेर खान? हम जानना चाहते हैं शेर खान के बेटे का रिश्ता इस घर से क्यों ठुकराया गया? शेर खान, इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए तेरे सीने में कलेजा फट नहीं गया? कलेजा मेरा क्यों फटे अम्मी जान? क्या तुम्हारे बेटे फतेह खान के कंधों पर दो सर हैं? क्या उसकी जमीन से तेल निकलता है? क्या उसकी जायदाद मुझसे भारी है? ना उसका नाम मुझसे बड़ा, ना ही उसकी नस्ल, और मेरा बेटा सलमान करोड़ों में एक है, तो फिर ये इनकार क्यों? बोलो, ये इनकार क्यों? शेर खान, मांगने वाले की जुबान पर इल्तिजा होती है, हुक्म या धमकी नहीं। ये ना भूलें अम्मी जान कि आपके बेटे का रिश्ता मांगकर हम इस घर को इज्जत बख्शने आए हैं। बेटियां हर मांगने वाले के हवाले नहीं की जाती शेर खान, इकरार और इनकार तराजू के दोनों पलड़ों में रिश्ता तोला जाता है। ये रिश्ता शेर खान के लगते जिगर का है, इसे किसी तराजू में तोला नहीं जा सकता। शेर खान, रुखसार हमारी अमानत है, तुम्हारी नहीं। इख्तियार हमारे हक में है, तुम्हारे नहीं, और मर्जी भी हमारी होगी, तुम्हारी नहीं। इनकार हो या इकरार, तुम्हें इसमें बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए। नींद से आंख खुलते ही हमने अपने बेटे का हर ख्वाब पूरा किया है। इस रिश्ते को चाहे हमारी जिद समझो या दरख्वास्त, मगर गलती से भी इस पर नामंजूरी की मोहर न लगाना, वरना वरना क्या? वरना लाशों के ढेर पर बारात आएगी। शेर खान, तेरा खून बहुत गर्म है, तो मेरे बेटे के खून से भी चिंगारियां उठती हैं। जलने जलाने की बात ना कर, समझदारी से मिलने मिलाने की बात कर। वक्त दे थोड़ा मुझे, मैं अपने बेटे को मनाने की कोशिश करती हूं। जा, खुदा हाफिज। अम्मी जान, खुदा हाफिज कहने से पहले एक बात जान लो, पहली बार शेर खान ने इस हवेली में खुशियों के चिराग जलाने की तमन्ना की है, कहीं ऐसा ना हो उन्हीं चिरागों से तुम अपनी हवेली में आग लगा लो। खुदा हाफिज।